नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के हमारे दो टॉपिक रहेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि हमें एडहेसिव में मार्बल ग्रेनाइट टाइल क्यों लगाना चाहिए और हमें उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, और दूसरा टॉपिक रहेगा कि हमें किस प्रोसेस से मार्बल को फिट करना चाहिए। तो चलिए दोनों टॉपिक पर हम शुरू करते हैं। ये हमारा जो मार्बल फिटिंग का काम चला हुआ है, ये एडहेसिव में चल रहा है, और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मार्बल 17 mm की थिकनेस में, और नीचे जो है वो हमारा एडहेसिव है। ये एडहेसिव की एक परत बनाई हुई है हमने ग्राउंड लेवल पर, जो हम फ्लोर लगा रहे हैं। इसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि ये जो मार्बल और जो नीचे फ्लोर पर जो ये माचन हमने किया हुआ है, इसके ऊपर हम लगाने से जो ये एडहेसिव है, यह है नमी को ऊपर नहीं आने देगा मार्बल पर, और ये जो परत है इसको रोक के रखेगी। तो सबसे बड़ा एडहेसिव लगाने का बेनिफिट हमें यही मिलेगा। और मार्बल की जो ये इटालियन मार्बल है हमारा, और इसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। जो काफ़ी बार हमें कंप्लेंट मिलती है कि इटालियन मार्बल हमारा लगने के बाद में 2 से 3 साल के बीच में ख़राब होना शुरू हो जाता है, खड्डे होने शुरू हो जाते हैं, तो वो शिकायत बिल्कुल भी नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट है कि हम ये जो मार्बल है किस प्रोसेस से इसको कंप्लीट करें। ये हमने पहले जो माचन बनाया हुआ था, ये बिल्कुल पक्कर हमारा तैयार हो चुका है। 10 दिन पहले हमने इसको तैयार किया था माचन को, और इस पर 6 से 7 दिन हमने क्यूरिंग की थी, और क्यूरिंग करने के बाद में जो इस पर डस्ट आ चुकी थी वो आप देखिए, इधर हमारा डस्टिंग है। जितने साइज का हमारा मार्बल लगना है उतने में हमने इसको क्लीन किया हुआ है। तो क्लीन आप इससे कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा दिखाइए एक बार, ये लोहे का ब्रश से पहले आप करिए, फिर ये हमारा जो है नॉर्मल कपड़े धोने वाला ब्रश है, उससे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ये आपका क्लीन हो जाएगा। और क्लीन होने के बाद में ही आप इसको एडहेसिव से फिटिंग करिए। ये देखिए, इधर हमने डस्ट इकट्ठा किया हुआ है और इधर हमारा बिल्कुल ही क्लीन है। तो अब शुरू करते हैं कि मार्बल किस प्रोसेस से हमें एडहेसिव में कंप्लीट करना चाहिए। तो इस तरह से आप, ये फाइबर है, इस तरह से इस फाइबर को आप उतार कर, और ये हमारा जो सरफेस जो एडहेसिव लगने से थोड़ा सा चिकनेपन में हो गया, तो हम इसे 60 नंबर रेग मार से इस पर रगड़ाई करेंगे फाइबर उतारने के बाद में। अब आप देखिए कितना फिलिंग का है, ये देखिए पूरे पूरे पत्थर में ही फिलिंग मिलेगी आपको, कि आगे उन्होंने फिलिंग की थी और पीछे तक पत्थर में। ये फाइबर उतारने के बाद में ये आप देखिए, ये सभी फिलिंग है। ये देखिए, ये सभी फिलिंग बैक साइड में आई हुई है, जैसे हमने फाइबर को निकाला है। ये टोटली फिलिंग होती है मार्बल में। तो इसकी हम 60 नंबर रेगमार से रगड़ाई करेंगे। फाइबर उतारने के बाद में हमारा पॉइंट यही रहेगा कि हम इसकी रगड़ाई करेंगे। जो इसका सरफेस था, अपॉक्सी लगने से काफ़ी चिकना हो गया था, तो रगड़ाई करने से थोड़ा खुरदरा हो जाएगा। अगर आपका मार्बल बिल्कुल भी इससे भी लो क्वालिटी का है, बिल्कुल ज़्यादा फिलिंग का है, तो आप सीट को टुकड़ों में उतार सकते हैं, लेकिन हमारा ठीक चल रहा है, हम पूरी सीट उतार के ही इसको चिपका रहे हैं। तो अब हमारा
एडहेसिव पूरे हमने इस पर चिपका दिया है और हम इस ट्रोवल की मदद से हम इसे गरमाला बोलते हैं। ये हमारा 4 से 5 mm हमने खुद बनाया हुआ है ये, और इसकी मदद से हम इस पर खांचे लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा हमारा मटेरियल होगा वो सारा निकल आएगा, जितना हमें मटेरियल चाहिए है जितने mm इस पर वो रह जाएगा। अब हम इस ट्रोवल की मदद से, ये हमारा 10 mm का ट्रोवल है, गरमाला बोलते हैं जिसे हम, इसकी मदद से हम जो एक्स्ट्रा एडहेसिव है हम इसे निकाल लेंगे। और हमने जो मार्बल पर है वो हमने छोटे गरमाले से 4 mm वाले से लगाया है। फ्लोर पर भी 10 mm का एडहेसिव बिछा दिया है ट्रोवल की मदद से। अब हमें ये 1/2 इंची कन्नी इसकी सफाई करनी होगी कि इस पत्थर के साथ में हम इसको टच करें तो ये एडहेसिव जो है इस जॉइंट से बाहर ना आए। तो हमें इसे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। 1/2 इंची आप देख सकते हैं इस तरह से, और नीचे भी नीचे वाली कन्नी को भी आपने इस तरह से साफ कर लेना है। तो आपको मैं हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। बिल्कुल ही आसान तरीके से आप मार्बल को फिट कर सकते हैं एडहेसिव के अंदर। इस तरह से हमने क्लीन कर लिया है, और फिर उसके बाद में हम इस चाकू की मदद से ये जॉइंट को जो है बिल्कुल ही, ये देखिए ये निकल रहा है, अब देखिए आप इसको, और इसके बाद में हम वैक्यूम लगाएंगे इसके पीछे, मार्बल के पीछे। ये हमें काफ़ी मदद मिलेगी इससे कि हम रखते हुए जो हमारी उंगली वगैरह है वो सेफ हो जाए। अब हमने पूरा प्रोसेस आपने देखा होगा कि हमने किस किस तरह से, किस किस पॉइंट से हमने इसको मार्बल को लगाने के लिए अपने इस्तेमाल किए हैं, टूल को, अपने वर्क को सुंदरता बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से हमने एडहेसिव भी लगाया है। तो अब हम इसको मार्बल को रखने के लिए फाइनल टच देने जा रहे हैं। ये हमने मार्बल को बहुत ही आगे ले थोड़ा सा, तो अब हम इस पर अपना जॉइंट फिलिंग करेंगे। हमारे पास एक्मी कंपनी का एडहेसिव आया हुआ है, तो वो हम इस पर फील करेंगे। और जो हमारा एडहेसिव था वो वाइट कलर का ही था, आप देखिए ये हमारा रेजिन है और ये हमारा हार्डनर है। और हमने रेजिन को एक अलग उसमें बॉक्स में निकाला हुआ है, डब्बे में, और इसको हमने कलर बनाया हुआ है। ये देखिए पत्थर की मैचिंग का हमने इस पे कलर बनाया हुआ है, और इसीलिए आपको ये पूरा निकाल कर एक ही बारी में कलर बना लेना है। ये देखिए एक ही बारी में कलर बना लेना है ताकि पूरे फ्लोर पर आप काम करो तो आपको जॉइंट का जो कलर है वो बिल्कुल सेम दिखे।
ये एक्मी कंपनी का एडहेसिव है जॉइंट फिलिंग करने के लिए। 3,000 रुपये लीटर के आसपास आया हुआ है, और मेरी जो पिछली साइट थी उस पर भी एक्मी कंपनी का ही था। आपको ये 50-50 लेना है दोनों। उस पर भी एक्मी कंपनी का ही एडहेसिव था जॉइंट फिलिंग करने के लिए, लेकिन वो 6,000 रुपये लीटर का था जो हमने पिछली साइट पे भरा था, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। में है जैसे 3,000 रुपये लीटर का है, और लेकिन इसमें 50-50 आया हुआ है, तो हम 50-50 ही लेंगे। ये हमारा रेजिन है, ये हमारा हार्डनर है, तो हम दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और हमने अभी ये जॉइंट को थोड़ा लूज रखा हुआ है, ये देखिए आप, जॉइंट को 1 mm 1.5 mm के करीब हमने अभी लूज रखा हुआ है कि हम इस पर ये एडहेसिव फील कर पाए अच्छे से। इसको प्रेस किया जाएगा 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये काफ़ी नीचे तक चला जाए। हम पहले एडहेसिव लगाते हैं तो पत्थर रखते हुए कई दफ़ा जैसे नीचे से एडहेसिव जॉइंट के बीच में से वापस ऊपर आ जाता है, तो इसलिए हम पहले कभी भी नहीं लगाते। हमारा प्रोसेस यही है लगाने का। तो ये हमारा जॉइंट फील हो चुका है, और फील होने के बाद में अब हम इस पर वाइब्रेटर की मदद से इसको प्रेस करेंगे कि हमारा जो एडहेसिव कहीं से मतलब कि फैला नहीं होगा, तो वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए और फैल जाए। ये हमने इसको 10 से 15 मिनट तक वाइब्रेट किया है, और इसके बाद में हम इसको टाइट करेंगे, ताकि जो हमारा जॉइंट अभी लूज़ था वो बिल्कुल टाइट हो जाए। ये देखिए एडहेसिव बाहर आ चुका है टाइट करने के बाद में, यह है मार्बल बिल्कुल ही। और इसका टाइट होने का बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि ये जॉइंट बिल्कुल ही अब बारीक हो जाएगा, जितना एडहेसिव इस पर लगना था वो लग चुका है, और जो एक्स्ट्रा है वो बाहर आ गया। अब इस पर लेमिनेशन कर देंगे जॉइंट पर टेप की मदद से। जॉइंट पर लेमिनेशन करने का बेनिफिट ये होगा कि अभी हमने जैसे आगे वाला पीस लगाना है, तो ये मैला ना हो और पत्थर खिसके भी ना हमारा, तो इसको लेमिनेशन, इस पर टेप लगाने के भी 2-3 बेनिफिट हैं। लेमिनेशन कर दिया है हमने, और अब हमारा पूरा प्रोसेस आपने देखा कि किस तरह से हम इटालियन मार्बल को बहुत ही अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं बहुत ही आसान स्टेप में। और एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, आप सोचते होंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन करें क्या, हमें वर्क भी करना होता है और साथ में वीडियो भी बनानी होती है, तो आप जानकारी देने के लिए। तो एक छोटा सा हमारा इसमें पॉइंट हम ऐड करेंगे अभी, दिखाएं। फोम का 70 mm की मोटाई का ये गद्दा मंगवाया हुआ है। इस पर बेनिफिट क्या होता है, आपको भी इस तरह का गद्दा यूज़ करना है कि आप मार्बल को कटिंग करोगे या टाइल को कटिंग करोगे तो आपका कॉर्नर वगैरह झड़ेगा नहीं। तो अब आप देखिए इस पर ये बिछाकर दिखाएंगे आपको। ये देखिए बिल्कुल ही आसान, आरामदारी से, बिल्कुल ही आरामदायक तरीके से ये पीस इस पर बिछ चुका है। तो आप इस तरह का एक अपना फोम वाला गद्दा भी मंगवा सकते हैं, और उस पर आराम से आप कटिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप साइज़ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा काम करने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको इटालियन मार्बल में जॉइंट में एडहेसिव जो भरने के लिए कि जॉइंट बिल्कुल भी ना दिखे, उसकी वीडियो भी चैनल पर है, और वाइब्रेटर से संबंधित वीडियो भी चैनल पर हैं, और एडहेसिव को हमें कैसे मिक्स करना चाहिए ये सभी वीडियो इसी चैनल पर हैं। तो मैं इन सभी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें। धन्यवाद।